नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों से कुछ दिल की बातें करने जा रहा हूँ। आप में से कई सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की, बोला कि सर आपने अपनी एनजीओ के बारे में एक लाइन में बताया, आपने अपनी बुक के बारे में एक लाइन में बताया, प्लीज़ उसके ऊपर बताएं हमारे को कि वो बुक है क्या, वो एनजीओ क्या है, आप कैसे काम करते हैं। तो थोड़ा सा आज आप लोगों से दिल की बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, यह है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि कोई काम एक हाथ से हो ना अगर दान, तो वो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, मैं हमेशा इसमें मानता हूँ। तो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ कुछ एडिशनल करता हूँ, आप लोगों से आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मेरी MDRT, CUT, TUT, मेरी ज़िंदगी में इतनी इनकम, इतनी बरकत, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, इतने सारे काम करने के साथ साथ भी मैं कैसे ट्रेनिंग्स दे पा रहा हूँ, अपने ऑफिस को मैनेज कर पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो रही हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। आप लोग देखते हैं ना कि मैं आप लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को न्यू वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ, नए नए टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरीके से मैं दो चार काम और भी करता हूँ, उनमें से एक काम है मेरा NGO। दोस्तों, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यारी फाउंडेशन, क्यारी फाउंडेशन.org हमारी वेबसाइट है। ये क्यारी फाउंडेशन में हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कई सारे रेल साइड पे, अगर आपने देखा होगा कि रेलवे के साइड में स्लम्स होते हैं, उन स्लम्स में जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को कहीं पे डिलीवरी बॉय लगा देते हैं, वो अपने बच्चों को कोरियर कंपनी में लगा देते हैं, वो अपने आप अपने बच्चों को घरों में दुकानदारों के पास जो डिलीवरी बॉय होते हैं उसमें लगा देते हैं, अपनी बेटियों को मेड करके वो रखवा देते हैं। अब ऐसे लोगों को हम कन्विंस करते हैं कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम उन्हें पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, शिक्षा देंगे, और उस तरीके की शिक्षा हम देने का काम काफ़ी टाइम से करते चले आ रहे हैं। अब उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में कर दिया है, इसी वजह से वेबसाइट और बाकी सारी चीज़ें उसमें एंटर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, उसी काम को आगे ले जाने का पर्पस है। मैंने कई बार लोगों को बोला है, शायद आप लोगों के साथ YouTube में शेयर नहीं किया होगा, पर ऑफलाइन सेशंस में मैंने कई बार शेयर किया है कि एट द एज ऑफ 40 मैं रिटायर हो जाऊंगा, और जो मेरे को रिटायर होना है उसके बाद मेरी पूरी की पूरी लाइफ सोशल कॉज के लिए जाएगी। तो उसी प्रोसेस में, कह लीजिए उसी मुहिम में, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैं करता रहता हूँ। तो मेरी एक ये NGO है जिस NGO के साथ हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ है मेरी बुक, जिसके बारे में मैंने अपने किसी वीडियो में एक लाइन में बोला था और आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उस बारे में बताएं। दोस्तों, ये बुक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए है, सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस के भाइयों बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इनिशियल लेवल से एंड तक। तो वो ये कहते हैं, सर हमें एक इन्फॉर्मेशन कहीं ढूंढनी पड़ती है, एक इन्फॉर्मेशन कहीं, तो क्यों ना आपके जितने भी टेक्निक्स हैं उनको एक जगह पे मिल पाए। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसा ही लेके आया हूँ कि जिस बुक में सस्पेक्टिंग के ऊपर बात की है मैंने, जिस बुक में मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात की है, जिस बुक में मैंने ये बताया है कि मीटिंग कैसे करें, अपॉइंटमेंट कैसे लें, उसमें मैंने बात की है कि मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, उसमें मैंने बताया कि मीटिंग में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कार्ड किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, उसमें मैंने बताया कि मीटिंग में क्लोजिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। उस बुक में मैंने ये बताने की कोशिश की है, मैं लिख रहा हूँ अभी उस बुक को, उसमें ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से उसके बाद आप रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह से सर्विसेज को स्ट्रांग बना सकते हैं, उसके बाद रेफरेंस किस तरीके से ले सकते हैं, उसके बाद कल को क्लेम आता है तो सेटल किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि रिपीट बिजनेस इनिशियल लेवल पे मीटिंग से लेकर रिपीट बिजनेस एक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से कैसे लें, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैंने एक बुक में कुछ पन्नों में पिरोने की कोशिश की है, और अभी उस बुक के ऊपर काम चल रहा है। रेगुलर बेस पे मैं 4 से 5 घंटे उस बुक को दे रहा हूँ डेली, और मेरी कोशिश है आने वाले टाइम में कि जुलाई या अगस्त तक हम उस बुक की प्री बुकिंग स्टार्ट कर सकें और वो बुक लॉन्च होगी, आप लोगों के बीच में आएगी। और मेरी उम्मीद है, मैं जिस मेहनत के साथ लगा हूँ तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि वो बुक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप लोग उस बुक का फ़ायदा उठा सकेंगे। पर अभी उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त में स्टार्ट होगी और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक वो बुक प्रॉपर तरीके से लॉन्च भी हो जाएगी और आप लोगों तक पहुँच भी जाएगी। तो ये मेरी बुक और NGO के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को पता चल सके कि किन चीज़ों के ऊपर हम साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। जब भी ये बुक लॉन्च होगी या कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी और चीज़ होगी, तो आपको जो 0226181666 जो नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप लोगों को तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा दी जाएगी। आप सारे लोग जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और एक इम्पॉर्टेंट बात, कहीं ना कहीं दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए।
इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, कहीं पे किसी भी जगह पे आपको लगता है ना एक छोटे से बच्चे की एजुकेशन में, आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कुछ नहीं समझ आता ना तो आपके पास जो डिलीवरी करने के लिए बच्चा आता है ना उसको कुछ कुछ बैठा के एक बार कोई किताब दे दीजिए, उसको बोलिए कुछ अच्छी चंपक ही दे दीजिए पढ़ने के लिए जिसमें उसे कुछ सीखने को मिले, कोई भी ऐसी बुक जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हो ऐसी बुक दे दीजिए, उसका रिजल्ट ये निकलेगा दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आपको किसी भी स्लम्स में बच्चे दिखते हैं ना तो छोटी ABCD वाली किताब होती है, मुझे आज के टाइम में पता है ABCD वाली जो किताबें होती हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की कॉपी जो होती है, हिंदी की कॉपी जो होती है, मैथ की कॉपी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, पेंसिल कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं ये काम रेगुलर करता हूँ तो मुझे इन चीज़ों की वैल्यू पता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करिए, अपने एरिया में कीजिए, अपने आसपास के स्लम्स में कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो प्लीज़ अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ आप रहते हैं कुछ गरीब बच्चों के लिए अच्छा कर दीजिए, मुझे लगेगा आपने मेरे काम का जो फल है वो मुझे मिल गया। तो दोस्तों आप सब लोगों की जिंदगी में भी कंट्रीब्यूशन से बहुत बरकत आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, अपना प्यार बनाए रखिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।